दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. सो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो आई एम राइटिंग वी. वी मीन्स एस्केप वेलोसिटी, बिकॉज दिस वर्क डन प्रोवाइड एस्केप वेलोसिटी. एंड वर्क डन हमारे पास वो लिखा ही है, जी एम एम अपॉन आर एम एम एम. सो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर. सो वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर. एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस डेरिवेशन एंड फार्मूला. सर रूट टू कहाँ गया? टू कहाँ गया? कौन सा सर? वो रूट टू आएगा ना. हाँ अरे ये है ना, अभी लिख रहा हूँ यार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो यार, थोड़ा शांति रखो. बिल्कुल लिखूंगा मैं. तुमको याद है ना एक जोक याद होगा कि किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हैं डॉग्स होते थे, तो दूसरे लड़के ने कहा, दूसरा कौन था, अंश, अंश ने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मुर्गे होते हैं. और लोगों ने बोला क्यों झूठ बोल रहा है यार. बोले झूठ नहीं बोल रहा, दूसरा हाथ तो लाने दो. तो वो दूसरा हाथ ले आया इतने बड़े बड़े. तो कई बार क्या होता है कि मैंने भी वही किया कि तुमने मेरे को बताया कि सर टू नहीं लिखा, तो मैंने कहा रुको तो सही, और मैंने लिख दिया. तो ये आपको लगा होगा ये सर ने कौन सा पीजे सुनाया है, अरे पीजे नहीं है, इससे अच्छे अच्छे जोक आपको आते होंगे. सो वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर. एंड लुक हियर द स्पेशलिटी, टू इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी, वॉट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. इट मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. क्या है एस्केप वेलोसिटी? कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी. कैसे, अभी बताता हूँ. ऑल्सो आपको याद होगा g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. सो जी एम की वैल्यू पुट करूंगा, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ. सो वी इक्वल टू अंडर रूट टू इन टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर 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 आर. सो इट इज अंडर रूट टू जी आर. इट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. And if we are substituting these values to g is 9.8, which is 6.4 into 10 to the power 6, and after calculating, we are getting 11.2 kilometer per second. It means escape velocity from the surface of Earth is 11.2 km per second, and it is constant for every object. आप चाहे dog फेंको, आप चाहे मुझे फेंको, आप चाहे elephant को फेंको, escape velocity is same for everyone. Why? Because it is independent of the mass of the body. तो मैं ये line है लिख भी रहा हूँ. Escape velocity is independent of mass of body. Therefore, escape velocity is constant for everybody. आप चाहे शिनचैन को फेंको, चाहे आप टॉम एंड जेरी को फेंको, द वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर एवरीवन. देयर इज नो चेंज. क्या हो गया साक्षी, कौन है तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई है कि बहन है? हैं सर, वापस कौन है? रहते ना प्रेमी जाता है मेरे, उसको बड़ा अच्छा लगता है आपका. कौन कौन? अरे अच्छा, छोटा है क्या? हाँ सर, अब उठ गया बाहर. अच्छा अच्छा, उसे मुझे देख के मजा आता होगा कि वाह क्या गोल मटोल सर है ना. नहीं सर, वो खाने का तरीका उसे काफी अच्छा लगता है. ओह थैंक यू वेरी मच, उसको बोलना थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. क्या हो गया यथार्थ, तू बार बार कैमरा को एडजस्ट कर रहे हो आज?
है? आज तो बहुत देर से कैमरा एडजस्ट कर रहे हो, क्या हो गया? अरे सर वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था बोर्ड का इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो। मुझे लग रहा था अपने आप को देख रहा हो कि मैं कैसा स्मार्ट लग रहा हूँ, तो तुम स्मार्ट ही हो। अरे नहीं 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 सर, हो नहीं। यार नहीं हो, ऐसा मत बोलो। हो, 11th क्लास के बच्चे बहुत स्मार्ट है हमारे, एंड पढ़ने की भी इच्छा रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। कर लिया बच्चों, तो मैं आगे चलता हूँ। सर वीडियो कब डालेंगे? कौन सा? नहीं सर, वो आप वीडियो डालते हो ना यूट्यूब पर। अच्छा, वो बना के तुम्हारे लिए? हाँ सर, मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हो? अभी पिछली बार वाला भी बड़ा अच्छा था और मैंने डाला नहीं। वो मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाराज हो जाए। ट्यूसडे से मैं स्कूल जाने लग रहा हूँ, वापस सागर ने बुला लिया है, तो ट्यूसडे से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके बच्चों, एनीबॉडी हैव एनी डाउट नाउ? नो। आपने आर की वैल्यू क्या पुट किया? आर की बेटा 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6, ब्लैक कलर से लिखता हूं उनको। 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6, एक्चुअली 6400 किलोमीटर होती है, तो 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6। नहीं भी याद हो तो पहला 6 है और पावर भी 6 आएगी। देखो तो ये मिटा देते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल सर, विद द हेल्प। हाँ हाँ बोलो। इस फॉर्मूले में तो 6400 लेंगे ना, तो 10 टू द पावर 6 क्यों लेंगे? हाँ 6400 किलोमीटर होता है ना, मैंने मीटर में लेना है ना। तो फिर सर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्यों आया? वो बाद में चेंज कर दिया ना। देखो जी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली ना, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है, इसलिए रेडियस भी मीटर में लेनी पड़ेगी। फिर सॉल्व करके वो मीटर में आता है, फिर मैंने उसको डिवाइड करके किलोमीटर में कर दिया है।